स्टूडेंट्स तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में एनर्जी तो ये भी एक पीएन जंक्शन डिवाइस है हमारा सोलर सेल इसका काम क्या है बेटा सन की से आने वाली लाइट रेज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना यानी सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ये. अ सोलर सेल कंसिस्ट ऑफ सिलिकॉन और गैलियम पीएन जंक्शन डायोड ये आर्सका बनाता है सिलिकॉन और इट इज मेड ऑफ द गैलियम आरसेनाइड क्लियर है या तो गैलियम आर्सेनाइड से हमी कनेक्टर से बनेगा या सिलिकॉन से बनेगा ये पीएन जंक्शन डायोड और इसको पैक किया जाता है एक ग्लास शीट के अंदर ग्लास के अंदर ठीक है तो जो इसकी टॉप है टॉप में बेटा अभी पहले यहाँ से आप यहाँ तक जल्दी से नोट कर सकते हैं ठीक है वीडियो को पोज करके अब देखिए जरा आपको डायग्राम की हेल्प से समझाया जाएगा तो जो इसका जो टॉप है टॉप के ऊपर एक ग्लास की शीट होती है टॉप के ऊपर क्या है एक ग्लास की शीट और इसकी अपर लेयर है पी टाइप लोअर लेयर है एन टाइप अपर लेयर इज पी टाइप लोअर लेयर इज एन टाइप पी टाइप लेयर के ऊपर को कवर किया जाता है ग्लास की शीट से क्लियर है एंड ऑन द अपर साइड ऑफ द पी टाइप लेयर लेर आर द सम मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड यहां पर कुछ मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड्स होते हैं अब ये मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड का क्या काम है बेटा देखो मान लीजिए मेटल फिंगर हमारे कुछ इस तरीके से होते हैं फिंगर के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है ऐसे ही मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड के बीच में जो स्पेस होता है वहां से लाइट अंदर एंटर कर सकती है और जंक्शन तक पहुंच जाती है क्लियर है बेटा समझ में आया तो लाइट यहां तक इसके जरिए पहुंच सकती है और एक्सटर्नल में हमने एक रेजिस्टेंस यूज किया है दिस रेजिस्टेंस इज नोन एज आर एक्सटर्नल में यहां पर एक रेजिस्टेंस आर हमने यूज किया यहां पर और यहाँ पर मेटल के कॉन्टेक्ट प्रोवाइड किए गए ताकि यहां से हम अपनी आउटपुट ले सके यहाँ ये मेटल के कॉन्टेक्ट हैं ये भी मेटल का कॉन्टेक्ट है तो एक इलेक्ट्रोड इधर है एक इलेक्ट्रोड नीचे है ठीक है यहाँ और यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा इलेक्ट्रोड्स हैं और दिस इज द सिंबल ऑफ अ सोलर सेल सोलर सेल का सिंबल है ये सिंपली क्लियर और ये आपका सर्किट डायग्राम है पी एन जंक्शन डायोड है ऊपर मेटल इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड सॉरी और यहां पे ग्लास की शीट है ट्रांसपेरेंट ताकि लाइट अंदर एंटर कर सके क्लियर है और जो इसकी वी आई करेक्ट्रिस्टिक है बेटा वो कुछ इस तरह से रहेगी ये थोड़ी अलग है बाकी सभी डिवाइसेस से क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करती है ना इधर इन द फर्स्ट सेकंड और थर्ड बट इट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट क्लियर है <coughs> तो आई एस सी रिप्रेजेंट करता है बेटा करंट फ्लोइंग इन द शॉर्ट सर्किट वी ओ सी वोल्टेज इन द ओपन सर्किट ओपन सर्किट में वोल्टेज मैक्सिमम होती है बेटा क्योंकि रेजिस्टेंस मैक्सिमम तो वोल्टेज मैक्सिमम है ठीक है और करंट मिनिमम और शॉर्ट सर्किट में करंट मैक्सिमम होता है क्लियर है तो ये रहा तो क्लियर है बेटा ये आपने करेक्टरिस्टिक नोट कर लेनी है डायग्राम नोट करना है और इसके बारे में ये जो भी है हमने कंस्ट्रक्शन लिखी हुई है यहां से लेकर के यहां तक क्या है ये कंस्ट्रक्शन है और ऊपर इसकी डेफिनेशन है तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं चलिए फिर हम समझते हैं इसकी वर्किंग को तो देखिए बेटा वेन द लाइट ऑफ स्टेबल फ्रीक्वेंसी और सिंपली वेन द लाइट फॉल्स ऑन अल जंक्शन जब पी एन जंक्शन पर लाइट फॉल करती है तो यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन और होल्स जनरेट होते हैं क्लियर है जो कि जंक्शन के अक्रॉस मूव करेंगे यहां से होल्स इस तरफ जाएंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन इस साइड आएंगे क्लियर है बेटा तो इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो सारे के सारे होल्स जो हैं अब पी साइड की तरफ कलेक्ट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एन साइड की तरफ कलेक्ट हो जाते हैं तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में सिपरेशन आ चुकी है जिसकी वजह से अपर जो इलेक्ट्रोड है ये वाला ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और जो लोअर इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव क्यों बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन फोटोन आया लाइट का उन्होंने एनर्जी सप्लाई की इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए यहाँ से कुछ होल्स जंक्शन को क्रॉस करके इस तरफ आ गए और यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स थे जनरेट हुए थे वो इस तरफ आ गए क्लियर है बेटा द जंक्शन फील्ड फील्ड क्योंकि यहां पर कौन सा है जंक्शन के अक्रॉस जो फील्ड होता है ना उसकी वजह से यहां मूवमेंट हुई और होल्स सारे के सारे पी साइड में कलेक्ट हो चुके हैं एंड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड इन द एन साइड सो ए पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड बिटवीन द अपर इलेक्ट्रोड एंड द लोअर इलेक्ट्रोड ऊपर और नीचे वाले इलेक्ट्रोड में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया विच करंट स्टार्ट फ्लोइंग अब इसकी वजह से यहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है क्लियर है बेटा और सोलर सेल से हमें क्या मिलता है करंट क्लियर तो आप पहले जल्दी से चलिए अब ये नोट कर लिया अब हम करते हैं वर्किंग आप लिखनी कैसी है समझा दिया मैंने अब आप उसको नोट कीजिए देखिए बेटा ये रही आपके पास वर्किंग और यहां तक आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए क्लियर है बेटा आपने वर्किंग को यहां तक नोट किया तो चलिए अब मैं नेक्स्ट आगे मूव करता हूं अब इसके बाद आप यहां तक कंप्लीट वर्किंग कवर कर लीजिए <coughs> वर्किंग और वीआई आई के बारे में यहां तक कंप्लीटली डिटेल में लिखा जा चुका होगा जल्दी से नोट कीजिए अगर किसी का रहता है तो डियर स्टूडेंट्स क्लियर है यहां तक आपको चलिए अब उसके बाद हम समझते हैं यूजेस ऑफ द सोलर सेल तो देखिए बेटा सोलर सेल के यूज क्या हैं, जो हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं ना जो हम लॉन्च करते हैं सैटेलाइट उन सैटेलाइट के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे ऑपरेट करते हैं सोलर सेल से एनर्जी मिलती है उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी सोलर सेल से तो क्या होगा सोलर सेल्स आर यूज इन द आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू ऑपरेट द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इन द सेटेलाइट सेटेलाइट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी हेल्प से ये जो है सोलर सेल की हेल्प से ऑपरेट करते हैं नेक्स्ट इट इज यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द कुकिंग फूड खाना बनाने के लिए भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की जा सकती है इनकी हेल्प से ठीक है दे आर यूज इन द कैलकुलेटर्स में यूज कर सकते हैं रिस्ट वॉच में कुछ ऐसे एरिया जहां पर लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई पॉसिबल नहीं है वहां पर भी हम सोलर सेल का यूज कर सकते हैं और एक और काफी इंपॉर्टेंट बेटा जो ट्रैफिक लाइट के सिग्नल होते हैं ना उनमें हम सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं क्लियर है सोलर पैनल लगाएंगे और वहीं से उनको ट्रैफिक लाइट है उसको एनर्जी या इलेक्ट्रिक पावर मिल जाएगी वहां से क्लियर है बेटा तो ये था आपका सोलर सेल उसकी डेफिनेशन कंस्ट्रक्शन वर्किंग वीआई आई करेक्टरिस्टिक एंड द यूजेस क्लियर है अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है तो ठीक है बेटा हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक तो के लिए बाय थैंक यू एंड हैव नाइस डे